आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ जाके आप इस तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे आप ज़रूर याद से ऑन कीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इस रेसिपी के लिए, सो आप सबके साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वेजिटेबल मंचाओ सूप। सो मैं किस तरीके से बनाती हूँ इस सूप को, मैंने आज आपके साथ वो शेयर किया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। वेजिटेबल मंचाओ सूप के लिए हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ली हैं और सारी सब्जियों को फ्रेंड्स हमें बहुत ही बारीक काटना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है मशरूम 3 बड़ा टेबलस्पून, गाजर है 3 बड़ा टेबलस्पून, फ्रेंच बीन्स 3 बड़ा टेबलस्पून, पत्ता गोभी 3 बड़ा टेबलस्पून और शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने ली है 3 बड़ा टेबलस्पून। ये सारी सब्जियाँ मैंने 3-3 टेबलस्पून्स लिए हैं और 3 कप पानी, आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हम लेंगे 2 बड़ा टेबलस्पून, रेड चिली सॉस है यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ा टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हम लेंगे विनीगर, वाइट विनीगर है ये, और सोया सॉस 2 बड़ा टेबलस्पून और कुछ फ्राइड नूडल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे मैंने फ्राई करके रखे हैं नूडल्स को, जस्ट ये डेकोरेशन में मैं रखूँगी और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जब सूप के साथ हम फ्राई नूडल्स खाते हैं तो। और यहाँ पे मैंने लिया है शक्कर 1 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 बड़ा टेबलस्पून अदरक और लहसुन हम लेंगे 1.5 टेबलस्पून और यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर 3 बड़ा टेबलस्पून हमें चाहिए है, इसे हम स्लरी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं वेजिटेबल मंचाओ सूप। सबसे पहले हम स्लरी बनाएंगे, कॉर्नफ्लोर स्लरी। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे बाउल में ले लिया है कॉर्नफ्लोर और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करके एक पतला घोल बनाना है हमें, इसका मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में हम ले लेते हैं ऑयल, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, 2 मिनट सौते करना है हमें इन सारी चीजों को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर, फ्रेंच बीन्स और पत्ता गोभी, एक एक करके इन सारी सब्जियों को इसमें आप ऐड कर दें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इन सारी सब्जियों को हमें सौते होने देना है और एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है वरना सूप का जो फ्लेवर है बहुत ही बेकार हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से सौते हो गई हैं, ना ज़्यादा पकाना है ना ज़्यादा हमें इसे कच्चा रखना है, बस सब्जियां जो है हमारी थोड़ी क्रंची होनी चाहिए तभी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है सूप में। अब मैं इसके साथ में ही ऐड कर रही हूँ पानी और फ्लेम को हाई कर दीजिए और सूप में अब हम बॉईल आने देंगे और इसी के साथ ही में अब हमें ऐड करना है शक्कर, सोया सॉस, विनेगर और रेड चिली सॉस, मिक्स कर लें इन सारी चीज़ों को और बॉईल आने देंगे हम। नमक हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, बहुत अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है और अब इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। तो धीरे धीरे करके ही हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर और मिक्स ज़रूर करते रहें कॉर्नफ्लोर डालते हुए, बहुत ज़रूरी है आप इसे धीरे धीरे ही डालें, एक साथ कभी भी कॉर्नफ्लोर स्लरी जो है मत डालिएगा।
अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप उसके ग्रीन्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने आज नहीं डाला है। स्लरी डालने के बाद आप देख सकते हैं सूप काफ़ी गाढ़ा हो गया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। चलिए हम सर्व करते हैं गरम गरम वेजिटेबल मंचाओ सूप। वेजिटेबल मंचाओ सूप बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्राइड नूडल्स के साथ इसे सर्व किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी के लिए, क्योंकि आजकल आप लोग मेरे रेसिपीज़ मेरे वीडियोस देख ज़रूर रहे हैं पर लाइक नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।